hello and welcome back to my channel arohi classes so today we will study about united nations so our first topic is the world wars but before it we will look the looking ahead in this lesson you will learn means we will learn about the un first how and why it was created. Second, its aims and principles, and its main organs and its special agencies. Then, its achievements, and then India's contribution to UN. So, we will learn and study about these things. So, first is the World Wars. World War I broke out in August 1914. The World War First वो अगस्त के 1914 में शुरू हुआ इट वॉज़ अ टेरिबल वॉर इन विच सर्वल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व ये एक टेरिबल वॉर था जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व थे बहुत सारे कंट्रीज इस वॉर में लड़ रहे थे द वॉर स्टार्टेड इन यूरोप एंड इंडस्ट्रियल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकम जेलर्स ऑफ ईच अदर्स पावर जो वॉर था वो यूरोप में स्टार्ट हुआ जब जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रलाइज नेशंस थे वो एक दूसरे की पावर से जलस होने लगे जलन करने लगे तब ये वॉर यूरोप में स्टार्ट हुआ ईच कंट्री वॉन्टेड इट्स ओन एम्पायर टू ग्रो हर एक कंट्री अपना खुद का जो साम्राज्य था वो बढ़ाना चाहता था मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड अदर पीपल्स वर किल्ड और वाउंड डेड सिटीज तो जो मिलियंस ऑफ सोल्जर्स कई सारे सैनिक और लाखों पीपल लाखों आदमी इसमें मारे गए या और घायल हुए सिटीज वो डिस्ट्रॉयड एंड देयर वॉज सर्वस शॉर्टेज ऑफ फूड ढेर सारी सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और फूड की कमी हो चुकी थी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ पीस कुछ साल शांति के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट इन सेप्टेंबर नाइनटीन थर्टी नाइन वर्ल्ड वॉर सेकेंड सेप्टेम्बर के नाइनटीन थर्टी नाइन में फिर शुरू हुआ एट हंड्रेड इन नाइनटीन फोर्टी फाइव आफ्टर यूएसए ड्रॉप ऑटोमिक बम्स टू जापानी सिटीज वो नाइनटीन फोर्टी फाइव में खत्म हुआ नाइनटीन थर्टी नाइन से शुरू हुआ नाइनटीन फोर्टी फाइव में ख़त्म हुआ कैसे जब यू एस ए ने जापान की टू सिटीज़ पर आइटम बॉम यानी ऑटोमिक बम ड्रॉप कर दिए वो दो सिटीज थे हिरोसिमा एंड नागासाकी इन दो सिटीज़ पर यूएसए ने अटमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया द लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड वार्स मच मोर ग्रेटर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो लाइफ का जो लाइफ का लॉस था और जो सिटीज का सिटीज़ बर, की बर्बादी हुई वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से कई गुना ज़्यादा था सो so, ये था हमारा द वर्ल्ड वॉर्स अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ एंड वाई इट वॉज क्रिएटेड मीन्स यूनाइटेड नेशन कब और क्यों क्रिएट हुआ सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टूगेदर टू फाइंड वेज ऑफ़ प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग वॉर्स इन फ्यूचर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो जो कंट्रीज थे वो एक साथ आए ये एक रास्ता ढूंढने के लिए कि हम अपने फ्यूचर में वार्स को कैसे रोक सकें द टर्मिड डिस्ट्रक्शन एंड टू वार्स हैंड मेड एम वाइजर जो डिस्ट्रक्शन इन दो वार्स में जो बर्बादी हुई थी वो न बर्बादी से लोग जो वो वाइजर हो चुके थे एक वे ढूंढने के लिए कि व फ्यूचर में हम ये ऐसे वार्स ऐसे घातक वार्स ना हो सकें एज अ रिजल्ट ऑफ देर दूनाइट ने फोर्टी फाइव तो उनके कोशिशों के द्वारा यूनाइटेड नेशन 1945 में बना अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड द चैटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज मेड एट द कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए अ चैटर ऑफ रूल्स कॉल्ड द अ चैटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अ सेट ऑफ रूल्स जो रूल्स के सेट होते थे उन्हें हम कहते हैं जो यूनाइटेड नेशन में रूल्स के सेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं चैटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और ये बना था एक कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग में जो कि हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इट वॉज साइंड बाय फिफ्टी मेंबर कंट्रीज ऑन ट्वेंटी फोर अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव इसमें फिफ्टीन मेंबर कंट्रीज ने साइन किया था ट्वेंटी फोर अक्टूबर को नाइनटीन फोर्टी फाइव में टूडे वन नाइन्टी थ्री कंट्रीज आर मेम्बर ऑफ द यूनाइटेड और आज वन कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के मेम्बर हैं अब हम लोग पढ़ेंगे एम्स एम्स ऑफ ऑफ द बट फर्स्ट वी विल नो डिड यू नो सो साउथ सुदैन इज द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन दू एन साउथ सुदैन बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन नाइन जुलाई टू थाउजेंड इलेवन साउथ सुदैन बहुत एक नया कंट्री है जिसने कि यू एन को ज्वाइन किया है ये नाइन जुलाई टू थाउजेंड इलेवन को इंडिपेंडेंट हुआ था यानी कि आज़ाद हुआ था अब हम लोग पढ़ेंगे एम्स ऑफ द यू एन अकॉर्डिंग टू द चैटर ऑफ द यू एन एम्स आर चैटर ऑफ द यू एन यानी कि जो यू एन के रूल्स हैं उसके हिसाब से उसके जो यू एन की एम्स हैं वो हैं टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल पीस यानी कि शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना द मेन ऑफ द यू एन यूनाइटेड नेशन इज टू प्रिवेंट वॉर जो यू एन यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो मेन एम है वो है वॉर्स को रोकना लड़ाइयों को रोकना डिस्प्यूट्स एंड डिस्कस्ड एट द मीटिंग्स एंड एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड पीसफुल सोल्यूशंस डिस्प्यूट्स और डिस डिस्कस्ड मतलब मीटिंग्स में जो डिस्कशन किया गया उसकी कोशिशों से फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस यानी कि शांतिपूर्वक जो सोल्यूशंस होते हैं वो हम वो इस मीटिंग में फाइंड हुआ समटाइम्स व्हेन देयर इज डेंजर ऑफ वॉर बिटवीन टू नेशंस द यूएन एन अ मिलिट्री फोर्स कॉल्ड द पीस पीस कीपिंग फोर्स टू प्रिवेंट वॉर जब भी यूएन को ऐसा लगता है कि दो नेशंस यानी कि दो कंट्रीज में एक फिर से एक थर्ड वॉर होने वाला है तो वो एक मिलिट्री फोर्स को बुलाती है जिसे हम कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स पीस कीपिंग फोर्स वॉर्स को रोकती है नेक्स्ट है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशन जो कंट्रीज है उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस, यानी कि अच्छा व्यवहार डेवलप करना भी यूएन का एक एम है नेक्स्ट टू इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल टू इनकरेज रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट को इंकरेज करना और सबको फ्रीडम दिलाना भी यू का एक एम ही है ऑल मेंबर नेशंस ऑफ द यू एन आर एक्सेप्टेड टू इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स आर अपहल्ड इन दियर कंट्री सारे मेंबर नेशंस यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं यू के उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि सारे ह्यूमस जो हैं उन्हें उनकी राइट right मिल रही है कि नहीं टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल कॉपरेशन को अचीव करना सॉल्व करने में इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स इट बिलीव्स डेट द वर्ल्ड कैन हैव लास्टिंग पीस ओनली ऑनली ऑल द नेसन्स ऑफ द वर्ल्ड अचीव प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट यू एन बिलीव करती है कि वर्ल्ड में शांति दुनिया में शांति तभी रहेगी जब सारे नेशंस वर्ल्ड के सारे नेसन्स प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पाएंगे देयर फ्रॉड दियर फॉर इट एक्सेप्ट द रिचर ने to help the poorer countries improve their living condition. therefore, इसीलिए जो U.N कहती है कि जो सबसे अमीर, सबसे richer country है, वो सबसे पoorani, कि सबसे गरीब country को help करेगी उनके improvement में. it also helps to improve education in this country. U.N उनके educations को भी improve करने में help करती है. to help fight diseases and preserve the environment. डिजीज से फाइट करना और इन्वामेंट को प्रिजर्व करना भी यू का एक एम है अब हम लोग पढ़ेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑल कंट्रीज डेट हर मेम्बर ऑफ द यू एन आर इक्वल हाउ आर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड दे मे बी जो यू के जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी इक्वल हैं चाहे वो डेवलप्ड हों या अनडेवलप्ड हों और कंट्रीज डेट आर मेम्बर ऑफ द यू एन मस्ट ऑबे द चैटर जितने भी कंट्रीज यू एन के मेम्बर हैं उन्हें जो चैटर यानी कि जो रूल्स हैं उसे फॉलो करना होगा कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाई पीसफुल मीन्स कंट्रीज़ को ट्राई करना होगा अपनी सेटल्स यानी कि मेरी डिफरेंसेस को सेटल करना पीसफुल मीन्स यानि शांतिपूर्वक अपनी डिफरेंसेज को सेटल करना ये कंट्रीज को ट्राई करना होगा द यू एन विल नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ एनी कंट्री जो यू एन है वो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द यू एन द यू एन हैगन और बॉडीज डेट है उसके सिक्स डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर आप कह सकते हैं कि बॉडीज हैं जिनके भी की अलग अलग फंक्शंस हैं फर्स्ट है द जनरल असम्बली सेकेंड द सिक्योरिटी काउंसिल थर्ड द सेक्रेट्रिएट फोर्थ द इकोमिक एंड सोशल काउंसिल फिफ्थ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिक्स द थ्रूथ काउंटी ये है यू एन के सिक्स डिफरेंट ऑर्गन या फिर सिक्स बॉडीज यू एन के ये जैसे एक बना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्रेटर इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सोशल ये सिक्स बॉडी ऑर्गन या फिर बॉडीज ही समझ लीजिए कि हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द जनरल असेंबली सो द जनरल असेंबली द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यू जो जनरल असेंबली